अजमेर के वार्ड नंबर 48 से बीजेपी प्रत्याशी अशोक बुंदेले ने बीड़ी कारोबारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत भाटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुंदेल ने कहा कि भाटी द्वारा महिलाओं को बंधक बनाया गया है और उनसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सूचना पर अलवर गेट थाना प्रभारी जाप्ते सहित घटनास्थल पर पहुंची और मामले में जांच की गई, जहां महिलाओं को बंधक बनाने जैसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। फिलहाल उनकी ओर से असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 5 बजे से 6 बजे औरतों को बुला लिया और आज ही नहीं बुला रहे, 5-7 दिन से रोज बुला रहे हैं औरतों को और रोज बंदी बना लेते हैं। रोज 10-11 बजे बुलाते हैं और शाम को 5 बजे छोड़ते हैं इन औरतों को और इन्हें रोज बोलते थे कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी बीड़ी बंद कर दी जाएगी, इस तरह का धमकी दी जा रही है। और आज भी सुबह इनको औरतों को सबको बुला लिया गया और इनको सबको अंदर अभी 300-300 रुपये बांटे गए सबको और बोला अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो गार्डन के अंदर पैक करके रख दिया इनको। कुछ माहौल खराब करने के लिए जो लोग असामाजिक तत्व जो कोशिश कर रहे हैं अगर इस तरह से करेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पैसे भी दिए जा रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा।